मेरा नाम शकुंतला खान है, मैं मुरादाबाद से हूँ। प्रॉब्लम ये आई थी कि असल में मैं गुटखा खाती थी, रजनीगंधा, दिलबाग वगैरह, उसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम है कि मुझे कोई भी चीज़ गले से नीचे सक नहीं होती थी, पानी, फ्लूर, रोटी, कोई चीज़ भी। तो फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे गले के नीचे से कोई चीज़ नहीं नीचे पास हो रही है। फिर वो मुझे यहाँ मुरादाबाद के ही डॉक्टर शाह के पास लेके गया, और ENT सर्जन है वो, वहाँ पे दिखाया। दिखाने के बाद भी उन्होंने बताया कि मेरे गले में कैंसर है। इसके बाद मेरा बेटा यहाँ से सीधे फिर बॉम्बे लेके गया हिंदुजा हॉस्पिटल में, वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चला 3 महीने तक। वहीं पे ही डॉक्टर शुक्ला ENT सर्जन थे, उन्होंने एडवाइस किया कि देखिए मुरादाबाद से बॉम्बे आना तो बहुत मुश्किल है, आप ऐसा करिए खजीपुरा में कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पे रेडियोथेरेपी होती है, आप वहाँ जाके कंसल्ट करिए और जो भी थोड़ी बहुत इसमें प्रॉब्लम रह गई है ये उससे दूर हो जाएगी। तो फिर बॉम्बे आने के बाद जब मेरी वहाँ से छुट्टी हो गई, वहाँ कीमोथेरेपी ख़त्म हो गई, फिर हम लोग अपने बेटे बहू के साथ हम बरेली पहुँचे, भोजपुरा राममूर्ति हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ जाने के बाद में एकदम माहौल देख के मैं घबरा तो गई, क्योंकि कैंसर ऐसी चीज़ है कि कोई भी देख करके नॉर्मली इंसान नॉर्मल तो नहीं रह सकता है। पर हिम्मत थी कि जब कीमोथेरेपी करवा ली है तो इसको भी देख ही लेंगे। जब हम वहाँ हमने कंसल्ट किया तो बताया कि वहाँ पे डॉक्टर पीयूष अग्रवाल हैं, उनसे हमने फिर कांटेक्ट किया और फिर हमने तीन महीने तक हमने वहाँ पे रेडियोथेरेपी करवाई। और अब 2023 चल रहा है, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से फिट हूँ। बरेली के डॉक्टर बहुत अच्छे थे, ख़ास तौर से डॉक्टर पीयूष अग्रवाल, कोई शिकायत नहीं है, चाहे डॉक्टर हो, स्टाफ हो, सिस्टर हो, कर्मचारी हो या कोई भी सिक्योरिटी गार्ड हो, सब ने कोऑपरेट किया, किसी से कोई शिकायत नहीं, सब ने बहुत अच्छे से दिखवाई। ये बीमारी कोई सी भी हो, अपना साहस ना छोड़ें। कैंसर बड़ा नाम है, मगर उसके ऊपर जो उपलब्धि पाई वो इंसान ने ही पाई है। और मैं सोचता हूँ जैसे ये क्योरेबल हो गई हैं, अगर आदमी चाहे अपना प्रॉपर तरीके से इलाज कराए, सही गाइडलाइंस से कराए, तो 100% क्योर हो सकता है।